मुंबई में आतंकवादी एक्टिविटी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बम्बई के अंदर जो आतंकवादी कार्रवाई हुई ये ऐसा महसूस होता है कि जो कहानी बताई जाती है उससे उल्टा। ये नहीं हो सकता कि बाहर से किश्ती से 8 लोग आए और उनको फौरन वो फौरन जनाब अंदर घुस जाए और जनाब जाके होटल में घुस जाए मारना शुरू कर दें। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो गद्दार हैं जिन्होंने उनको शेल्टर दिया, वो पुलिस में भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंस में भी हो सकते हैं, देश के गद्दार भी हो सकते हैं। उन लोगों ने उनको पहले से शेल्टर दिया, उन्होंने सारी जगह देखी हुई थी और उन्होंने सारी कार्रवाई बहुत प्लानिंग के साथ की है और प्लानिंग के साथ करके उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करके पूरे देश को हिला दिया। हमने क्या किया, हमारी सरकार ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे मारने शुरू कर दिए। हम हर बार नारे मारते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को भी पता कि नारे मार के ये बस हो जाएगी। हमें चाहिए कि पाकिस्तान सरकार से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म, अपना अम्बेसडर हिंदुस्तान वापस बुला ले, तो कोई जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि अगर हमारा देश बाकी नहीं है तो हमें कारोबार क्या करना है। अगर हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको देश के अंदर अमन चाहिए। अगर हम ही मर गए और हमारा देश खत्म हो गया और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान के जनाब हम तो नरमी से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ताल्लुकात खत्म करके कारोबार बंद करके उसको पता लगना चाहिए कि इंडिया के साथ कारोबार करने से हमें इतना फायदा था और ना करने से इतना नुकसान होगा, ताकि पाकिस्तान उन मुजरिमों को हिंदुस्तान के सुपुर्द करे जो हिंदुस्तान ने उनको लिस्ट दी है पाकिस्तान को। और दूसरी बात यह है कि हमारा होम मिनिस्टर उसको पहले से बता था कि आतंकवादी कार्रवाई, उसको पहले से हटा देना चाहिए था, मनमोहन सरकार ने उसको हटाया नहीं। और बीजेपी और कांग्रेस के इस मौजूदा दौर के अंदर अपनी जनाब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस वक्त देश को चाहिए ऐसे लोगों को जो सिर्फ देश की बात करे, देश के लिए सोचे, देश के लिए मरे, देश के लिए जिए। आज हमारा पूरी दुनिया के अंदर मुल्क बदनाम हो गया कि भाई यहाँ जो लोग हैं गोली चलती है, इंडिया में मत जाओ। एक अमन का जो पैगाम पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से जाता था, आज वहां लिखा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी कार्रवाई होती है, आप किसी दुकान पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, पता नहीं आप कब मर जाएंगे। इसलिए अगर देश की शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म, और ये मत सोचें कि अमेरिका हमारा दोस्त है या रूस हमारा दोस्त है। आज को हिंदुस्तान एक एटमी ताकत बन रही है, आज हमको खत्म करने के लिए बाहर की ताकतें बहुत से लोगों को खरीद रही हैं। हमको हरेक के ऊपर नजर रखनी चाहिए और जो आतंकवादी कार्रवाई में पकड़ा जाए शूट कर दो उसको, गोली मार दो उसको, अगर ये साबित हो जाए कि आतंकवादी है। मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, फांसी दे दो ताकि हमारा मुल्क पहले है बाद में ये लोग है। अमेरिका ने हमेशा देखिए अफगानिस्तान के अंदर सद्दाम हुसैन को, इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला अमेरिका था। और आज भी हमारे देश के अंदर जितने आतंकवादी कार्रवाई होती है, कश्मीर के अंदर देने वाला हथियार अमेरिका था पाकिस्तान के जरिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो ही नीति अपनाता है अमेरिका। हाँ, अमेरिका हमेशा ये उधर भी याद रखता है इधर भी याद रखता है। हमको हमारी सरकार को चाहिए कि अमेरिका से दो टुक बात करें कि हमारे मुल्क में जो आतंकवादी कार्रवाई होती है वो अमेरिका से होती है और अमेरिकन जो है उनको हथियार देते हैं। अगर अमेरिका बैन लगाएगा तो इस मुल्क में शांति आ सकती है।